खालिद हसैन एंड उस्मान उस्ताद इन्हें माशाल्लाह दाना आंदा जी एक कट के भाई होनी समान भाई होनी ने उस सामने खालिद साहब होनी ने गुलू साहब होनी ने आ गया जी खालिद हसैन ने कढ़ लिया एंड उस्मान साहब ने दोवां ने जी रल मिल के जड़ा हिम्मत की है ते दाना साहब होनी आ गए ने बाहर अपने खालिद साहब होनी ने उस्ताद ने जी उस्ताद उस्मान उस्ताद उस्मान ने जी इन्होंने दाना कढ़ लिया बाहर जरा चेक करो जी उस्ताद जी कड़ा जी दाना एक गुलफाम है जी अच्छा ला जी इसकी पूछो जरा पीली है आहो नाल मुछां भी पट्टी साहब ने जी जरा जी गुजरात ने अपना खालिद साहब होनी गुलियां आले खरादी साहब होनी इन्होंने काम पाता जी गुलू नाल पीले गुलू नाल कुंडी चुक लो किसी पैर च वजनी है कुंडी भी चकी है पट्टी साहब अपना किन्ना जी है दाना पांच साढ़े पांच किलो का दाना जी पूरा ही दसने ज्यादा नहीं दसते है जी बिलकुल इन दी गल है इना चलो जी एहसासू बखाओ जी एहसासू बखाओ इन्हों जे अपने भाई जान आ गए ने चेक हो रही है जरा खादा की सुबह सुबह ना माशाल्लाह जी दाना चंगा दाना है सगीर सैन फड़ाओ जी ये सगीर सैन सीधा कर दाना सीधा कर रतियां ही होनियां ना सीधा कर जिंदा है तो इत्थू पैना काम दे नाल थल्ले जाएंगे है किथे मैं इत्थू पैना है इत्थू आटा ते जा मैं जावां आहो राम ने थले रख छिके पूरा ही रह बस अगे चिकू कर तू जल मैं तेरे नेड़े लिया पा ली आउंदा ही पिया चिकू है वे मेरे अल एंड एंड चुकना है अगर पत्थर को आ जा थले बह बह के आ जा आराम ना उथी रह तेन दाना उथे लभेगा टेंशन ही लैनी थोड़ा जा कर लेंगे तंग सीढ़ियां बनी इन्हे डिग पैना तिलकन सारी समान ने दाना कट लिया जी तकरीबन 2-2.5 किलो का गुलफाम